हेलो शार्क्स। हाय शार्क्स, मेरा नाम निधि है। और मेरा नाम अनुज है। और हम दोनों फाउंडर्स हैं शेड्स ऑफ स्प्रिंग के। हम यहाँ आए हैं नमा बैंगलोर से। एंशिएंट टाइम्स से फ्लावर गिफ्टिंग सभी कल्चर्स में एक पॉपुलर चॉइस ऑफ गिफ्टिंग है, चाहे कोई ओकेजन हो या फेस्टिवल या शादी या इमोशंस का एक्सप्रेशन। फ्लावर्स हर एक चीज को स्पेशल बना ही देता है। इनफैक्ट अगर बिना किसी बात के भी आपको कोई फ्लावर्स दे दे तो आपके चेहरे पे हंसी तो आ ही जाती है। ये तो बिना बात नहीं हुई, आप तो कुछ लेने आए हो। अभी हमें पता नहीं है मिलेगा कि नहीं। ये बात सही है। थैंक यू वेरी मच, दे ब्यूटीफुल। थैंक यू, दे आर लवली। थैंक यू। ये बताना, ये मैंने फ्लावर देखा नहीं कभी। ये फ्लावर है, ये भूसा है? पैम्पस ग्रास बोलते हैं। ये फ्लावर होता है? कमाल है भाई। मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग भी है। और चाहिए? लो, ये लो। थैंक यू। ग्लोबल गिफ्टिंग इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ की है और फ्लावर्स उसके अंदर एक मेन एंकर प्रोडक्ट है। लेकिन कहाँ है वो कंपनी जिसके फ्लावर्स हमें देने में और लेने में बहुत खुशी मिलती है और जिसके बारे में हम जाके अपने दोस्तों को बताते हैं? और कौन सी है वो कंपनी जो कि कंबाइन करेगी ब्रांड और फ्लोरिस्ट्री को, सप्लाई चेन और सोर्सिंग को और टेक एंड डेटा को, ताकि हमें मिले नए एग्जॉटिक फ्लावर्स हर महीने हर सीजन? थिंक नो मोर। प्रेजेंटिंग टू यू शेड्स ऑफ स्प्रिंग। शेड्स ऑफ स्प्रिंग अपने कस्टमर्स को देती है 300 प्लस वैरायटी ऑफ फार्म फ्रेश फ्लावर्स। हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है DIY फ्लावर सब्सक्रिप्शन बॉक्स, जो हमने इनोवेट किया था बैक इन 2019, जहाँ पे आपको फ्लावर्स मिलते हैं विद इन 48 टू 72 आवर्स ऑफ हार्वेस्ट फ्रॉम फार्म टू योर डोरस्टेप, और फ्रेश रहते हैं आपके घर में 7 प्लस डेज तक। ये फ्लावर्स आपको मिलते हैं सिर्फ 350 रुपीज पर डिलीवरी। अब आपको अपने मनपसंद फ्लावर्स लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट अ क्लिक अवे। सो शार्क्स, कौन इन्वेस्ट करना चाहता है वर्ल्ड की बेस्ट गिफ्टिंग फ्लावर इंडस्ट्री में? हम यहाँ पे उठाने आए हैं 3 crore फॉर 1% स्टेक इन आर फ्लावर बिजनेस। कुछ हो गया था, आपने जो फूलों की महक थी ना कमरे में सारी उड़ा दी। इसका वैल्यूएशन क्या हुआ आपको पता है? मतलब 100 crore का रेवेन्यू होगा। हमारा इस साल का ट्रेंडिंग रेवेन्यू है 9 crore का। Not bad. लास्ट ईयर हमने किया था 2.5 crore एंड फर्स्ट ईयर जब हम व्हाट्सएप पे मेजरली काम करते थे तब हमने किया था 50 lakh। इसमें आपका मार्जिन कितना है? हमारा ग्रॉस मार्जिन है 29% का। ग्रॉस मार्जिन कम नहीं है ये इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि तो फ्रेश प्रोड्यूस की इंडस्ट्री है, इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, मेरे को आपकी वैल्यूएशन बहुत स्टीप लगी। आप 9 crore के रेवेन्यू पे 300 crore की वैल्यूएशन मांग रहे हैं, जो किसी भी मल्टीपल के हिसाब से नहीं बैठती। तो वैल्यूएशन हम लोगों ने कैसे लगाई है? अभी हमारा 75% प्लस रेवेन्यू बैंगलोर सिटी से है। फ्यूचर की हमने ग्रोथ देखी है कि कितनी होगी, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू हमने अपनी वैल्यूएशन इतनी लगाई है। हम बहुत बारी सुन चुके हैं शो में, मैं आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो के एक्सेल दे दूंगा ना, आपको नहीं समझ आएगा कैसे निकालें। तो लेट्स नॉट यू नो फेक इट टिल यू मेक इट। वैल्यूएशन भूल जाओ कैसे होती है, मोटा मोटा समझ होनी चाहिए कि धंधे की क्या नंबर आ। आप मेरे को एक बात बताओ, आपका 9 crore रुपये का धंधा है, आपका अगर मैं 30% भी मार्जिन मान लूँ, आप 3 crore रुपए कमाते हो साल के, 3 crore रुपए के लिए आपको 100 times क्या कहते हैं एबिटडा भी नहीं, ये तो ग्रॉस मार्जिन मल्टीपल है, आपको 100 times मतलब मैं अगर आप नहीं ग्रो करें, अगर इस वैल्यूएशन पर लगा दिए पैसे, मेरे को 100 साल में मेरे पैसे वापस आएंगे। सी, बिजनेस करना सिर्फ ये नहीं है कि दुकान में गए और माल बेच दिया, एक जनरल अवेयरनेस होनी ज़रूरी है इंसान को कि यार क्या चल रहा है मार्केट में। मैं सामने से किसी से कुछ मांगूंगा तो क्या मैं समझदार लगूंगा या मैं बेवकूफ लगूंगा? आई एम रियली सॉरी, इसमें आप बहुत बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। आपके धंधे की मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, 9 crore रुपए का माल बेचना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल चीज है, कोई भी चीज बेचनी हो धंधे की टोटल रिस्पेक्ट है, बट जनरल अवेयरनेस, आई एम रियली सॉरी, यू हैव लॉस्ट मी ऑन दैट। आपको साथ प्रॉब्लम पता है, आप फूल देते हो, फूल लेते हो और दूसरों को फूल समझते हो। आप ये वैल्यूएशन 300 crore की जो लेके आए हो ना, आपने हमारे को फूल समझा है।
300 करोड़ की वैल्यूएशन इसकी नहीं है, इसकी वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल बिजनेस, अगर आप लॉजिकली कुछ लेके आते तो ठीक भी था, इन 300 करोड़ के लिए आई विल बी अ फूल टू गिव यू मनी एट 300 करोड़। आई एम सॉरी टू से आई एम ऑल्सो आउट। दो शार्क आउट है, और दोनों इसलिए आउट है क्योंकि आपने ये वैल्यूएशन इतना बड़ा रखा कि सब चकरा गए। नमस्ते, मेरा नाम यशोदा कारुटूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है, और हम दोनों बहन बैंगलोर से आए हैं। हम दोनों हुवू फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवू का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारे पूजा का प्रैक्टिस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केयोटिक होता है। मंडी को बागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना, और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं, और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवू फ्रेश। हमारा इनहाउस टेक्निक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम आज शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए, और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसे सोचा? Honestly, हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी, एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, और मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वॉज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम, एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मनी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड That's what excited us. वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में, उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री किया। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं सीईओ हूं, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूं। मैं सीटीओ हूं, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूं। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिकने हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेज उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है? फ्रॉम डे वन हम मार्केट से कम्पेटिटिव थे, सो वी स्टार्टेड विद अ 10 रुपी पैकेज। पर जो हमने देखा कि पीपल आर रेडी टू पे दैट प्रीमियम, पीपल को वो क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग वो मार्केट लेडी को, क्योंकि ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि आप 40% वेस्टेज देखते हैं, पर हमारे फ्लावर्स के साथ वो वेस्टेज 2-3% हो जाता है। वाओ। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पैन फ्रॉम 3 डेज टू 15 डेज। ठीक है। तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? ऑन अ ब्रॉड लेवल मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। तो ये हमारा गार्लैंड का मशीन है, हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम
या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है. सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करें, ये पैकेट के सीलिंग टाइम में हम पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ और वो प्रोसेस स्टॉप कर देता है. पर ये जो चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो और ही अलग है. डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश. नॉट नाइट्रोजन फ्लश. ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है ये फूल के लिए काम नहीं करेगा. फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं. ओके, कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट की. वेरी इंप्रेस्ड. कैन वी सी द प्रोडक्ट? यस यस. ये हमारी पैकेट्स है अगरबत्तीज एंड दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्सेस एज़ वेल. गेंदा जैसा नहीं स्मेल कर रहा. वो गेंदा नहीं है, वो सेवंती क्रिसैंथेमम. अच्छा, वो उसका ऐसा ही स्मेल होता है या इसमें पैकेज की वजह से? नहीं, पैकेज में कुछ स्मेल नहीं आता है. सो देसी गुलाब का बहुत फ्रेग्रेंस स्मेल होता है. इतनी आल्सो स्मेल. और ओलियंडर जो है पिंक कलर का फूल, उसका स्मेल होता है. इसमें गेंदा का है. मैंने चेक कर लिया, फूल भी रियली है. चेक कीजिए प्लीज. थोड़े से अनबिलीवेबली है. By the way, smells really good. Thank you. पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है जेनरेशन चेंज को देखते हुए कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है. I'm sure overall declining होगा. क्यों? पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूँ. पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए भगवान को? फिर शार्क्स, क्या आपको याद है बचपन की वो छोटी छोटी खुशियाँ? पास वाले पार्क से फूल चुराना, टचमिन और पत्तों से लुका छुपी खेलना, डांडेलाइन सीड्स को फूंक मार के उड़ाना, या सिर्फ हरे घास पर लेटकर खुला आसमां को देखना. हमेशा लगता था कि काश हम ये पल कैद कर सकते. अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्लिसफुल नेचर का एक्सपीरियंस हम आपको दे जो आप खेद करके हमेशा अपने पास भी रख सकते हो और अपनी ब्यूटी को निखार सकते हो, तो हाय, मेरा नाम है सुप्रिया. आई एम फ्रॉम बैंगलोर. मैं हूँ फाउंडर ऑफ लीफी अफेयर, जो है इंडिया का पहला फ्लोरल ज्वेलरी ब्रांड. लीफी अफेयर असली फूल, पत्तों और सीड्स को प्रिजर्व करके उनकी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाते हैं. को हम बोटानिकल ज्वेलरी भी कहते हैं और बोटानिकल ज्वेलरी एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस लगभग 16,000 करोड़ की फैशन ज्वेलरी मार्केट में अपनी डिजाइन से खुद की पहचान बना रहा है. और हमारे डिजाइन ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी पहना है. आज हमारे पास 100 से भी ज्यादा ज्वेलरी और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं. हमारे विजन है कि वी बिकम द बिगेस्ट बोटानिकल लाइफस्टाइल ब्रांड. ये जो पहना है आपने, ये आपका फ्लावर से बना हुआ है? यस, ये रियल रोज है, उसको प्रिजर्व करके उनसे हम डिजाइन्स बना है. ओके, आई रियली लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, द स्नीकर्स एंड द सूट एंड दिस रोज थिंग. हम आपके बिजनेस पे जाएंगे, उससे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आपने कुछ पढ़ाई-वढ़ाई करी है? मैं BSc और MSc बायोटेक्नोलॉजी में किया था. अच्छा. और उसके बाद MBA भी किया हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम सिम्बियोसिस. नाइस. थोड़ा सा बताइए आपका ये नेचर से क्या कनेक्शन है आपको और क्यों बन रहा है कनेक्शन? मैं बचपन से ना बहुत आई लव प्लांट्स और एनिमल्स एंड मेरी मम्मी गार्डनिंग करती थी और बचपन में somebody told me कि फ्यूचर में टेक इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड. In that little girl's head, मुझे ये imagination आया कि बहुत सारे robots होंगे और trees और flowers नहीं होगा. और मुझे वो ठीक नहीं लगा. तब से मैं decision बना लिया था कि मैं engineer नहीं बनूंगी. I want to do something in bio. कौन से year में start किया था? ये 2016 में idea आया. मैं आपको products दिखा सकती हूँ? Yeah, please. That'll be great. Thank you. बहुत सुंदर पैकेजिंग है, लव सो.
विनीता. अरे वाह. Very pretty. This is stunning. What is this? It's a dandelion. वो हम फूंक मार के उड़ाते हैं. नहीं वो ठीक है. Paperweight. Paperweight है. बहुत अच्छा. Is there any jewelry for men also here? Yes, sir. Which one? Oh wow. She's ready. ये necklace रणवीर सिंह ने भी स्टाइल किया था. हाँ. और क्या था? सुप्रिया, ये देखो मोकैम्बो खुश हुआ. बहुत बहुत सुपर है. ओह वाव. इधर देखा. गैंगस्टर स्टार है. इसका प्राइस क्या होगा जो मैं पहन रही हूँ? वो सनफ्लावर है 1500 रुपीस. एंड इसका इयररिंग? इयररिंग 1100 रुपीस. पेपर वेट हमारा हाईएस्ट एमआरपी है वो 3500. ये तो कुछ सिल्वर प्लेटेड कुछ नहीं है, राइट? नहीं, इट्स आर्टिफिशियल मेटल. यस. महंगा नहीं है थोड़ा फॉर जस्ट मेटल? वो मेटल की बात नहीं है, बट इट्स अ रियल फ्लावर इनसाइड जो यूनिक होता है. फ्लावर थोड़ी महंगा होगा, ये तो बहुत सस्ता मिलता होगा. नहीं, उसका प्रिजर्वेशन प्रोसेस और ये डैंडेलियन का डिटेल में बताइए फिर कैसे बनता है. बेसिकली उसका मॉइस्चर हटा देना चाहिए एंड वी हैव टू प्रिजर्व उसका कलर और फॉर्म. जैसे अपन किताबों में स्कूल में रखा करते थे, फिर लड़कियों को देते थे, वो प्रेसिंग है. उसी तरह आपने काफी फूल दिए हैं. बहुत ज्यादा. तो वो प्रेसिंग कहते हैं. वो 2D फॉर्म में अगर हम फूल को प्रिजर्व करना है, प्रेसिंग करते हैं. और वो जो है पेपर वेट में 3D फॉर्म में प्रिजर्व हुआ है, उसको हम सिलिका जेल यूज करके मॉइस्चर निकाल देते हैं और उसके बाद उसको रेजिन से डिजाइन किया जाता है. बहुत सुंदर है ये. पर जनरली लोग अपने यूज के लिए लेते हैं कि गिफ्ट करते हैं? ज्यादा गिफ्टिंग के लिए खरीदते हैं, बिकॉज और एक ये है कि हर फूल का एक कहानी है. फॉर एग्जाम्पल, वो फॉरगेट मी नॉट फ्लावर है. एक फ्रेंच नाइट ने उसको प्रिंसेस को गिफ्ट किया था वो फ्लावर्स ड्यूरिंग हिज लास्ट ब्रेथ, और उसने बोला फॉरगेट मी नॉट. वाओ. और इसी रीजन के वजह से उसका नाम है फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स. ये कहानी ये डब्बे में क्यों नहीं है? वी वर्किंग ऑन इट. यू आर वर्किंग? यस.